पलवल जिले के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नॉन बोर्ड क्लासों का रिजल्ट घोषित कर रैंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को पुरस्कृत किया गया। पहली 3 रैंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को मालाएं पहनाकर, मिठाई खिलाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम स्कूल के MD वीरेंद्र गहलोत की देखरेख में आयोजित किया गया। स्कूल प्रिंसिपल देवेंद्र शर्मा एवं अभिनव गुप्ता ने कहा कि नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा। स्कूल प्रबंधन नई क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हर आवश्यक जरूरत का प्रबंध कर चुका है। पेरेंट्स नए सत्र में अपने बच्चों को प्रॉपर स्कूल भेजें। प्रयास करें स्टूडेंट्स सभी क्लास अटेंड करें ताकि अगले एग्जाम्स में उनका रिजल्ट बेहतरीन आ सके। स्कूल के MD वीरेंद्र गहलोत ने कहा, अभिभावकों ने पिछले 25 सालों में जिस तरह स्कूल प्रबंधन पर भरोसा किया है, उससे उत्साहित होकर स्कूल प्रबंधन ने भी अपना बेस्ट देने का प्रयास किया गया है। हर साल स्कूल ने बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा स्थान हासिल किया है। हरियाणा में टॉपर देने की शुरुआत सबसे पहले बबीता सहरावत के रूप में जीवन ज्योति स्कूल ने ही दी थी। उसके बाद से निरंतर उपलब्धियां हासिल कर जीवन ज्योति स्कूल नए आयाम स्थापित करता रहा है। स्कूल की संकल्प क्लासेस कोचिंग में सफलता हासिल कर रही हैं। सर, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, सारे बच्चों को ट्रॉफी वगैरह बहुत खुश हैं, बच्चों को माला डली है, मतलब बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है और बच्चे ट्रॉफी पेन वगैरह और सारा कुछ बच्चों को दिया जा रहा है तो उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। पेरेंट्स भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सर, जीवन ज्योति में अनुशासन सबसे अच्छा है और सारे पलवल में टॉपर है, IIT यहाँ से निकले हैं सर, CBI ब्रांच में एक सर लगे हैं, यहीं से स्कूल से पढ़ के गए हैं सर। ये 3rd क्लास में 4th में आई है और ये 2nd में थी, 3rd में प्रमोट हुई है, एक और बेटी है। आज सर रिजल्ट आया है बच्चों का। अच्छा, कैसा स्कूल है ये? अच्छा स्कूल है सर, हमारे बच्चे पढ़ रहे तो बहुत अच्छा है सर, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं पढ़ने में, अच्छा स्कूल है सर। हमारे बच्चे अभी इसी साल आए थे, इसमें काफ़ी अच्छा वो मिला है इसमें। यस सर, जीवन ज्योति स्कूल बहुत अच्छा है सर। अच्छा, बच्चे घर में मन लगता है बच्चों का या स्कूल में बच्चों को मन लगता है? स्कूल में मन लगता है सर, बच्चों की स्टाफ भी बहुत अच्छा है, वो अपने टीचरों के काफ़ी बताते हैं, यहाँ के बहुत अच्छे टीचर हैं। आज एनुअल एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेरेशन था, जिसमें कि जो बच्चा जिस क्लास में था उसके फाइनल रिजल्ट दिया गया और जिससे 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो सके। तो आज PTM में कितने पेरेंट्स ने हिस्सा लिया? PTM सभी आ रहे हैं, अब PTM में तो सभी पेरेंट्स अनिवार्य रूप में आते ही हैं और अभी सब चल ही रही है PTM, सही आंकड़ा तो छुट्टी के बाद पता चलेगा। अच्छा, नया सेशन शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से, तो जीवन ज्योति में नए साल से आपकी तरफ से क्या विजन है नया? हम अपने 25वें वर्ष में हैं, जिसमें कि जितनी अचीवमेंट हमने पिछले 25 वर्षों में हासिल की है उन सबका रिजल्ट लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस वर्ष पिछले वर्षों की बाकी बेहतर रिजल्ट की अपेक्षा के साथ नया सेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो कोरोना काल आया था उसके बाद कोई उसका असर कम हुआ है? हाँ, धीरे धीरे उसका असर कम होता जा रहा है। अब बच्चा जो कि मोबाइल की तरफ ज़्यादा चला गया था, जो कि मोबाइल का आदि हो चुका था, उसको पेरेंट्स को भी अब उसकी डीमेरिट समझ में आई है, जिससे कि अब बच्चा किताबी ज्ञान की तरफ ज़्यादा वापस लौट रहा है और अपने आप को मोबाइल से दूर कर रहा है। सर, इट इज़ रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट डिक्लेरेशन डे, तो आज अपना 8th क्लास तक की सारी क्लासेस का प्लस 9th और 11th का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। जो 1st, 2nd, 3rd रैंक होल्डर उन बच्चों को साथ के साथ उनके प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अच्छा, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है? नया सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट सर। क्या तैयारी? बिल्कुल पूरी तरह से सारी क्लासेस का, क्लास टीचर, सिलेबस, टाइम टेबल, एवरीथिंग इज अप टू मार्क, तो हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स को इनवाइट किया हुआ था, चाहे वो बच्चा रैंक होल्डर था या नॉन रैंक होल्डर था, सारे पेरेंट्स इन्वाइटेड हैं और पेरेंट्स के साथ ही बच्चों को उनके प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। आज जो प्रोग्राम हुआ नॉन बोर्ड का हुआ या बोर्ड का? ये सर नॉन बोर्ड क्लासेस का सर। क्या करना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए? कि अगले साल का कैलेंडर, एक्टिविटी कैलेंडर के साथ और पूरा एकेडमिक कैलेंडर हमारा तैयार हो चुका है। पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन और रिक्वेस्ट है कि वो पूरे साल अपने बच्चों के साथ हमें जुड़कर
आने वाले फ्यूचर के चमकते सितारे जीवन ज्योति के लिए प्रदान करें, उनका कॉपरेशन एक्सपेक्टेड है हमेशा की तरह। ये जो नॉन बोर्ड क्लासेस थी हमारी 10th और 12th को छोड़ करके, उन सभी का PTM और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो नया सेशन भी स्टार्ट हो रहा है? हाँ, 1 अप्रैल शुरू हो रहा है। तो नए सेशन में स्कूल की तरफ से क्या नया विजन लेकर आ रहे हैं आप? नया विजन एकेडमी इम्प्रूवमेंट कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल क्लासेस की हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो जैसे सैनिक स्कूल हमारे 18 स्टूडेंट्स ने इस बार क्वालिफाइड किया है, हम प्राइमरी पर विशेष फोकस करना चाह रहे हैं इस बार। 12th और 10th में हमारा स्कोर हमेशा अच्छा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि 21-22 में मनदीप ने जिला टॉप किया था 10th में 494 मार्क्स लेकर के। लास्ट ईयर SV ने टॉप किया था 494 आउट ऑफ 500 लेकर के। तो इस बार से हम ये सोच रहे हैं कि प्राइमरी सेक्शन हमारा अप टू 5th स्टैंडर्ड है। जैसे 89 स्टूडेंट्स हमारे सैनिक स्कूल में गए हैं, तो उनके लिए हम स्पेशल GK, रीजनिंग और इस तरह की क्लासेज एक्स्ट्रा हम देना चाह रहे हैं। जीवन ज्योति को जो लगातार सफलता मिलती है उसके पीछे क्या कारण होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो बच्चे की मेहनत होती है, फिर पेरेंट्स का हम पर जो भरोसा है वो होता है, फिर टीचर्स की मेहनत है। संकल्प क्लासेज हमारी 6 से स्टार्ट होती हैं और उनका जो सिलेक्शन होता है वो टेस्ट बेस होता है। जैसे बच्चा 5th पास आउट करता है तो हम संकल्प टेस्ट लेते हैं, तो उसके यहाँ पर उसका सिलेक्शन करते हैं। ऊपर क्लास में डायरेक्ट कोई हम एडमिशन नहीं करते हैं संकल्प। आप अक्सर कहते हैं कि मोबाइल का यूज़ कम करना चाहिए बच्चों को, पेरेंट्स के लिए भी खासतौर से कहते हैं, ऐसे स्कूल कम कहते हैं, लेकिन आप कहने का प्रयास भी करते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है कि मोबाइल की तरफ क्यों होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल तो आजकल नेसेसिटी होता जा रहा है। देखिए, अगर पटेल जी, अगर हम इसको देखते हैं शारीरिक दृष्टिकोण से, तो हमारी आंखों पर बहुत विशेष फर्क पड़ता है इस चीज़ का। दूसरा, जो हमारी मेमोरी वो भी वीक होती है, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर मेमोरी ज़रूर वीक होती है, क्योंकि मेरा खुद का पेरेंटल ये, जब ये मोबाइल ये वाले नहीं थे तो हमारे कम से कम 100 नंबर याद हुआ करते थे, और आज हमारे मुश्किल से 10-15 नंबर याद होंगे। तो जब हमारी मेमोरी पर असर पड़ता है तो बच्चों की मेमोरी पर ज़रूर असर पड़ता है, क्योंकि एक हैबिट बन जाती है कि कोई चीज़ नहीं आती तो तुरंत गूगल पर सर्च करो, उससे पहले देख लो, ये कर लो, तो उस बच्चे को फीडअप नहीं हो पाते मेरे हिसाब से। एक दूसरा बात है, तीसरी बात है कि दुनिया भर की ऐप इतनी है, या जो भी हम कोई भी हम मोटिवेट स्पीच या कोई भी लेसन को हम सीखना चाहते हैं उससे मोबाइल के माध्यम से, तो उसमें बीच में जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो कई बार बड़ी खतरनाक एडवर्टाइजमेंट होती है, जैसे बच्चे का मन डाइवर्ट होता है। ऐसा तो है नहीं कोई भी लेक्चर कंटिन्यूस चलता है, उसमें बीच बीच में चाहे हम तो बहुत सारी ऐड आती हैं, तो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, मेरा मानना है। जैसे कोरोना काल था उसका असर कम हुआ ऑफलाइन क्लासेस में? हाँ जी, बिल्कुल। पेरेंट्स, जो जागरूक पेरेंट्स हैं वो ऑफलाइन क्लास को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं ऑनलाइन की बजाय। अच्छा, जो नया सेशन शुरू होने वाला, तो पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अपने बच्चे के लिए बेस्ट सोचें, क्योंकि पेरेंट्स के पास जो सबसे कीमती उसका डायमंड है वो उसका चिल्ड्रन ही होता है। तो जहाँ पर अनुशासन हो, शिक्षा अच्छी हो, रिजल्ट अच्छे हों, तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।